हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में। और आज की जो स्टोरी है द रियल फ्रेंडशिप, एक वास्तविक मित्रता की कहानी है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एट लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एट लास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं, वो भी आपको वर्ड बाई वर्ड बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं किस प्रकार की मित्रता और किसके बीच की मित्रता की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिएगा, इन द फॉरेस्ट, जंगल की बात है। देयर वॉज अ लेक, एक लेक थी। लेक मीन्स होता है झील, है ना, एक झील थी। एट एज द लेक वॉज ड्राइंग अप, क्योंकि जो लेक जो थी, झील जो थी, वो कैसी हो रही थी, ड्राइंग अप हो रही थी, मतलब सूख रही थी। द फिश ऑफ द लेक बिगन टू मूव फार्दर अवे फ्रॉम द बैंक, और इस तरीके से जो मछलियाँ जो थीं ऑफ द लेक, उस झील में रहने वाली जो मछलियाँ जो थी, बिगेन टू मूव फर्दर, वो फार्दर जाने लगी थी। फार्दर अवे मीन्स दूर जाने लगी थी, फ्रॉम द बैंक्स मीन्स किनारे से। टू क्रेन्स ऑल्सो लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस लेक, जो दो क्रेन भी रहते थे, सारस भी रहते थे, ऑल्सो लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक, उसी किनारे पर, उसी लेक के किनारे पर वो भी रहा करते थे। Now they could not catch enough fish, अब वो पर्याप्त मछलियाँ पकड़ नहीं पाते थे for their food, अपने भोजन के लिए। So the two birds decided, तो इन दोनों ही पक्षियों ने, सारस ने जो है decided, तो उन्होंने निर्णय लिया to fly away to another lake, कि हम लोग किसी दूसरे lake में जाएंगे, झील में जाएंगे, which was full of fish, जो कि कैसी हो, एकदम बहुत सारी जो फिश है, फिशों से, अलग अलग मछलियों से भरी होनी चाहिए, ऐसी जगह पर जाएंगे। उन्होंने इस तरीके से डिसाइड किया। डियर फ्रेंड, और उनके जो मित्र जो थे, टर्टल, और देखिएगा एक कछुआ भी था, उनका मित्र बहुत साथी था। आस्क द क्रेन्स टू टेक हिम विद देम, तो उसने भी कहा कि हम लोगों को भी ले, मुझे भी ले चलो अपने साथ में, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे लिए भी अच्छी जगह नहीं है। बट हाउ वुड ही गो, लेकिन वो जाएगा कैसे विद देम, उनके साथ। ही हैड नो विंग्स टू फ्लाई विथ, क्योंकि उसके पास तो पंख भी नहीं थे, तो कैसे उड़ेगा। तो उन्होंने इस तरीके से प्रश्न किया कि भाई जाओगे कैसे, है ना। बट द टर्टल, लेकिन जो टर्टल जो था, कछुआ जो था, वो देखेगा हैड ए प्लान, उसको एक प्लान आया नजर। अब देखेगा प्लान क्या है, योजना क्या थी। ही आस्क द क्रेन्स, उसने क्रेन से कहा टू ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, उसने कहा कि एक लंबी सी स्टिक ले आओ। स्टिक मीन्स होती है छड़ी। अब देखिएगा ये जो छड़ी है ना, लंबी सी, इसको लाने के लिए बोला। द क्रेन्स डिड एज दे वर टोल्ड, जैसा उनको बताया गया वैसा ही उन्होंने, उन क्रेन्स ने किया। द टर्टल देन टोल्ड देम, तो उस टर्टल ने तब उसके बाद में टोल्ड देम, उनको बताया टू होल्ड। होल्ड मीन्स क्या होता है, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, है ना। तो उसने कहा कि इसको पकड़ने के लिए बोला, होल्ड करने, ईच एंड ऑफ द स्टिक, जो छड़ी होती है उसके दोनों एंड को पकड़ने के लिए बोला, है ना, ये जो छड़ी है उसको पकड़ने के लिए बोला, दोनों ही किनारों पर, छोर पर। इन देयर बीक्स, अपनी जो बीक्स है, चोंच है उसमें, तो उसके बाद में होल्ड करने के लिए जब टर्टल ने बोल दिया, देन टर्टल स्लोली, उसके बाद में जो स्लोली धीरे धीरे वॉक अप, तो वो वॉक अप करने लगा। द मिडल ऑफ द स्टिक, बिल्कुल ठीक बीच में पहुंच गया, देखिएगा मिडल में है, बीच में पहुंच गया उस स्टिक के। एंड हेल्ड इट टू इट विद हिज माउथ, और उसने अपने मुंह से उस स्टिक को पकड़ लिया। द क्रेन्स नाउ अंडरस्टूड देयर आइडिया, तो उसके बाद में जो क्रेन्स जो थे, सारस जो थे, वो नाउ अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड, ठीक है। देयर आइडिया, तो जो आइडिया जो था, विचार था, वो उसको समझ में, उनको समझ में आ गया। अब इसके बाद में दे स्प्रेड देयर विंग्स, दे मीन्स उन्होंने, किसने, जो दोनों ही सारस थे, उन्होंने स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, क्या होता है, फैलाना, ठीक है, तो उन्होंने फैलाया, है ना, देयर मीन्स अपनी जो विंग्स थी, पंख थे, उनको फैलाया। एंड फ्लू, और उड़ने लगे, ऑन फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर उन्होंने, शॉर्ट डिस्टेंस पर उड़ने लगे, विद द टर्टल हैंगिंग ऑन द स्टिक,
जबकि जो टर्टल जो था वो अभी भी लटका हुआ था, हैंग कर रहा था ऑन द स्टिक उसी छड़ी पर। प्लान वर्क, तो जो प्लान जो था, योजना जो थी, वो काम कर गई। दे वर ऑल हैप्पी, वो सभी खुश थे एज थ्री फ्रेंड, कि जिस तरीके से तीनों ही जो मित्र जो थे वुड बी एबल, वो योग्य हो गए टू लिव टुगेदर नियर न्यू लेक, और नई वाली जो लेक होगी वहाँ पर आराम से वो जीवन यापन कर सकेंगे। बिफोर टेकिंग ऑफ, तो देखिएगा नीचे उतरने से पहले ही, बिफोर टेकिंग ऑफ नीचे जाने से पहले ही, ऑन ऑफ द क्रेन्स, ऑन ऑफ द क्रेन्स टोल द टर्टल, उस क्रेन ने टर्टल से कहा दैट ही वॉज नॉट टू ओपन हिज माउथ, कि उसको अपने मुंह को नहीं खोलना है। ड्यूरिंग द फ्लाइट, जब भी फ्लाइट में जाएंगे, जब उड़ेंगे, तो आपको अपने मुंह को खोलना नहीं है। इफ ही हैड सो, इफ ही डिड सो, अगर वो ऐसा कर पाता है, ही वुड फॉल डाउन, अगर उसने मुंह खोल दिया तो निश्चित ही उसको गिरना पड़ेगा, उसके बाद में उसको मरना भी पड़ेगा। द टर्टल प्रोमिस टू ओबे, तो टर्टल ने ठीक है कहा कि प्रोमिस कर दिया, वादा कर दिया टू ओबे कि जैसा आपने बताया वैसा ही होगा। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट डे, अगले ही दिन दे वर रेडी टू टेक ऑफ, जैसे ही वो टेक ऑफ, जैसे उन्होंने लैंडिंग मतलब उड़ना शुरू किया, एज दे फ्लू इन टू द एयर, जैसे वो हवा में पहुँचे, द टर्टल फेल्ट वेरी हैप्पी, उसको बड़ा आनंद आया, खूब खुश हो गया। दे फ्लू ओवर मैनी फील्ड्स, वो खेतों के ऊपर से गुजर रहे थे, हिल्स पहाड़ियों के ऊपर से जा रहे थे, रिवर्स नदियों के ऊपर से जा रहे थे, दैट द टर्टल हैड नेवर सीन बिफोर, इससे पहले उसने इन सब चीज़ों को नहीं देखा था। एज ही वाज ऑलवेज क्रॉलिंग, क्योंकि वो हमेशा ही रेंगता रहता था, क्रॉलिंग मीन्स क्या होता है, रेंगना, तो हमेशा ही वो रेंगता रहता था, तो इसने वो देखी ही नहीं थी चीज़ों को ग्राउंड के अलावा। ही लाइक्ड व्हाट ही सॉ, उसको वो सब चीज़ें बहुत पसंद आई जिन चीज़ों को वो देख रहा था। एज दे वर पासिंग ओवर ए विलेज, जैसे वो एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे, पासिंग मीन्स होता है गुजरना, द पीपल लुकड अप, तो लोगों ने ऊपर की तरफ देखा, जो देखेगा लोग इसकी तरफ देखने लगे हैं, तो लोगों ने देखा ऊपर की तरफ, एट द स्ट्रेंज साइट, एक विचित्र दृश्य, जब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, व्हाट दे सॉ, उन्होंने एक वक्त क्या देखा, मेड देम लाफ, सब हंसने लगे, एंड वंडर, और सभी को आश्चर्य होने लगा। द टर्टल वॉज एंग्री टू सी पीपल, लोगों को हंसते हुए देख करके वो एंग्री हो गया, नाराज हो गया, लाफिंग हंसते हुए एट हिम, ही वॉन्टेड टू टेल देम, वो उनको बताना चाहता था, ही मीन्स वो है वॉन्टेड, वो चाहता था, वॉन्टेड, वॉन्टेड ही आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, टू टेल देम, वो उन लोगों को बताना चाहता था हु ही बाज, कि वो कौन है, ऑफ हिज क्लेवर प्लान, और अपने उस चालाकी भरे प्लान के बारे में भी बताना चाहता था, एंड वॉट ही वॉज डूइंग अप देयर, और वो क्या कर रहा था वहाँ पर ये भी बताना चाहता था। बट रिमेंबरिंग द प्रोमिस, बट मीन्स लेकिन, रिमेंबरिंग याद करते हुए अपने उस प्रोमिस को, ही हैड अर्लियर मेड टू हिज फ्रेंड, जो उसने अपने मित्रों के साथ किया था, उसको अपना वादा याद आ जाता है। द क्रेन्स ही कीप्ट हिज माउथ शट, तो देखेगा द क्रेन्स, तो वो कहते हैं कि ही कीप्ट हिज माउथ शट, कि उसको अपने मुँह को बंद रखना। बियॉन्ड द विलेज वाज ए ब्यूटीफुल लेक, बहुत सुंदर सी एक लेक आ जाती है उस गांव के बाद में, इट वाज सराउंडेड बाई हाई हिल्स, और ये पूरा घिरा हुआ था ऊंची ऊंची जो हिल्स थी पहाड़ियों से, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फूल थे, एंड सेडी ट्रीज, सुंदर सुंदर जो छायादार पेड़ भी थे, एंड इट वाज फुल ऑफ टेस्टी फिश, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिश भी वहाँ पर थी। द टू क्रेन्स लैंडेड सेफली, उसके बाद में धीरे से जो दोनों ही क्रेन जो थे लैंड कर गए सेफली सुरक्षा के साथ में ऑन द बैंक ऑफ द लेक, द टर्टल लेट गो द स्टिक, उसने उस स्टिक को छोड़ा, एंड स्टार्टेड क्रॉलिंग, और वो रेंगने लगा ऑन द ग्राउंड वंस अगेन, पुनः। इन द इवनिंग द पीपल ऑफ द विलेज कम टू द लेक, लोग जो थे वो उसी लेक के किनारे आए, दे सॉ द टू क्रेन्स एंड देयर फ्रेंड, उनके मित्रों को, उनको दोनों को देखा, द टर्टल, नाउ दे अंडरस्टूड, और वो समझ गए वॉट द टर्टल वॉज डूइंग, की ये टर्टल क्या कर रहा था, अप हैंगिंग ऑन द स्टिक, उस छड़ी पर लटक करके, बिटवीन द टू क्रेन्स दैट मॉर्निंग, उन दोनों ही सुबह जिस तरीके से जो क्रेन्स के लेके जा रहे थे, क्रेन्स जो थे उस टर्टल को,
द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सून बिकम फ्रेंड, बोबी मित्र हो गए विद द क्रेंस एंड द टर्टल। द टर्टल एम्यूज, जो टर्टल जो था एम्यूज करता था, मस्ती मजाक किया करता था एंड एंटरटेन करता था देम उनका विद हिज स्मॉल फनी फेस एंड हिज ट्रिक्स, और अपने खेल और मस्ती में। ही ब्रॉट लाफ्टर, सभी को हंसाता था एंड जॉय टू देयर लाइफ्स, उनके जीवन में आनंद भरता था। ही ऑल्सो थॉट, उसने सोचा देम वॉट रियल फ्रेंडशिप, बाज की वास्तविक मित्रता क्या होती है एंड दैट फ्रेंड्स शुड ऑलवेज हेल्प वन अनदर, कि मित्रों को एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। तो क्रेन क्या होते हैं, सारस होते हैं, टर्टल कछुआ होता है, होल्ड मिस होता है पकड़ना, हैंगिंग हो सकता है लटकना, क्रॉलिंग रेंगना होता है, सरकना कह सकते हैं, वंडर होता है आश्चर्य, सराउंडेड होता है चारों ओर से घिरा हुआ, सैडी होता है छायादार, लैंडेड मिस होता है भूमि या जमीन पर उतरना, एम्यूज होता है मन बहलाना, ट्रिक्स होती हैं अलग अलग चाल या फिर लीला खेल, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये तो थी आज की स्टोरी, आई होप दैट यू एंजॉयड इट। मिलते फिर अनदर वीडियो में, टिल देन गुड बाय।